नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हर डीपी कुछ कहती है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैंने आज तक 200 लोगों को तकरीबन अपनी डीपी चेंज करने के लिए बोला है, और इन 200 ने मुझे कोई डीपी के लिए कॉल नहीं किया था। इन लोगों ने मुझे किसी और काम से कॉल किया था, पर उसके बातचीत में मैंने इनको बोला कि भाई डीपी चेंज कर लो। एंड मैं ये कहूँगा कि भगवान की कुछ कृपा है कि किसी ने ना इस बात का बुरा माना, और 15 से 20 मिनट कॉल के बाद उनने अपनी डीपी चेंज कर ली। ये मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि भाई अगला बंदा 1 मिनट में बोल सकता है कि भाई तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मुझे डीपी कौन सी करनी है, और मेरे से चुप रहा नहीं जाता। वो विक्रम बेताल सिंड्रोम से सफ़र करता हूँ मैं। वो विक्रम को बोलता है कि तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे अगर तू चुप रहा, और बोला तो फिर वो चला जाता है। तो ये विक्रम बेताल सिंड्रोम से आई ऑल्सो सफर फ्रॉम दिस, तो मेरे से रुका नहीं जाता। तो ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शायद मैं कुछ ये बातें बताऊंगा वो कुछ लोगों को चुभ सकती हैं, बट आप लोगों को ये सोच के देखना है कि छोटा भाई बता रहा है या बड़ा भाई बता रहा है, और कुछ अच्छे के लिए बता रहा है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो मैं ये बताऊँ, अगर आपको थोड़ा ट्रस्ट है एंड आप मेरी बात मानना चाहते हैं, तो आप इसको तकरीबन तकरीबन 2 महीने करके देखिए। ये चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आएगा। आप इसको सिर्फ ट्राई करके देखिए। और मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि 95% लोगों की डीपी जो ने लगा रखी है अपनी व्हाट्सएप पे, वो एक्चुअली गलत है। तो अगर इससे आपको रिलीफ मिलता है कि भी 95% वाली कैटेगरी में हो, तो आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं। तकरीबन 5 से 6% है हुए गॉट इट राइट, किस्मत से या किसी की गाइडेंस में, तो वो मैं नहीं जानता। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई चीज़ बताई जाती है, वो रिसर्च करके ऑब्जर्वेशनल बताई जाती है, तो उसका बेस रेट होता है। तो बेस रेट होता है 1000 का, तो उसमें ज़्यादातर लोगों के लिए वो एप्लीकेबल होती है, पर हो सकता है कुछ के लिए ना हो। एग्जाम्पल कि आप बोलो बोल सकते हो कि स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग इज नॉट गुड, एंड स्मोकिंग करने से बीमारियां होती हैं, लाइफ कम होती है। तो इसमें कोई बोल सकता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, मेरे दादाजी तो रोज सिगरेट बीड़ी पीते थे, हुक्का पीते थे, एंड ही लिव्ड टिल 102 ईयर्स। तो बिल्कुल सही बोल सकता है वो इंसान, बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि 85 ईयर्स तक तो वो खेतों में पानी देने जाते थे, 90 ईयर्स तक तो उन्हें किसानी करी है। तो टोटल पिक्चर कोई नहीं बता रहा ना, वो आइसोलेशन में एक चीज बता रहा है। तो जो भी चीज मैं बता रहा हूँ एक बेस रेट के हिसाब से बता रहा हूँ, वो एप्लीकेबल मोस्ट लाइकली होगी, कॉन्शियस माइंड से भी हो सकता है वो आप कर रहे हैं या सबकॉन्शियस से कर रहे हैं। तो मैं इस जो भी बताऊंगा इसमें मैं सबकॉन्शियस वर्ड यूज करूंगा ताकि किसी को कोई बात चुभे ना। तो इसमें कुछ चीजों का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, कुछ का पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया जा सकता। 15 से 16 पॉइंट्स बताऊंगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा, मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे आज तक ये कवर हुआ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जितना लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, शायद लोगों का फायदा हो जाए। तो पहला जो डीपी का मैं बताना चाहता हूं वो है, आप देखेंगे मोस्टली लोगों ने डीपी में चश्मा पहना हुआ है। बहुत डीपीज अबाउट 30-40% में इंसान ने चश्मा पहना हुआ है। वो स्मार्ट जरूर लगता है, बिल्कुल अच्छा है, पर आप ये चश्मे वाली डीपी हटा दीजिए, बिना चश्मे के डीपी लगाएं। एक आइडियल डीपी क्या होती है वो मैं एंड में बताऊंगा, जो आप लोग कर सकते हैं। पर अभी चश्मे वाली जिनने भी रेबैन लगा रखा है, स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, वो वाली आप हटा दीजिए। मेरी बात मानेंगे तो 50 दिन में आपको बहुत पॉजिटिव फर्क दिखेगा। कई लोग कहेंगे कि नहीं हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, कोई इशू ही नहीं है। तो मैं कहूंगा कि भी और अच्छी हो जाएगी, ट्राई करके देख लो, ठीक है। और ये वाला प्लीज, ये वाला वीडियो अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ज्यादातर इश्यूज मैंने ना उनकी डीपीज में ज्यादा देखे हैं, ठीक है। तो पहला था चश्मे वाली जिनकी डीपी है वो आप हटा दीजिए। दूसरी, बहुत डीपीज में आप ऑब्जर्व करोगे कि साइड पोज दे रहा है बंदा, लेडी हो सकती है, लड़की हो सकती है, लड़का हो सकता है, मैं कोई भी हो सकता है, वो अपना एक पार्ट ऑफ चेहरा दिखा रहा है, स्ट्रेट चेहरा नहीं दिखा रहा वो। ऐसे आदमियों को मोस्ट लाइकली उनकी लाइफ में धोखा मिला है। 19 से 25 साल की उम्र में वो लड़का लड़की वाला धोखा हो सकता है या कोई और धोखा हो सकता है। अगर ये किसी के साथ हुआ है और वो अभी सुन रहा है, तो इस पे लाइक दे दीजिए। पता तो चलेगा नहीं किसी को किसने लाइक दिया है। तो अगर इतनी मेहनत से बिना कुंडली देखे, बिना कुछ देखे मैं कहीं से कुछ लेकर आ रहा हूँ, एंड अगर ये सही फिट हो रहा है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ये है तो इस पे आप लाइक दे दीजिए। या तो उसके साथ धोखा हो चुका है या उसके साथ उसे धोखा होने का डर है, इनसिक्योरिटी है। प्लीज़ ये अपनी साइड वाली डीपी हटाएं और अपनी स्ट्रेट फेस वाली डीपी दिखाएं। आज मैं खुद कैमरा
अलग करके देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी फीडबैक मिला है कि मैं भी ना वो दूसरी तरफ देखता हूँ, मैं भी आज कोशिश कर रहा हूँ इसको इम्प्रूव करने की। इनफैक्ट मैं आप लोगों को कोई चीज़ हायर पेडेस्टल से नहीं बता रहा हूँ, मैं आप ही की कैटेगरी का इंसान हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा एक्सपोजर है, थोड़ी मैंने मेहनत करी है, थोड़ा गुरु की कृपा है, तो मैं उस नज़रे से बता रहा हूँ। तो मुझे ये मत समझना कि मैं बहुत हायर एचलॉन से बैठ के बता रहा हूँ। इनफैक्ट मेरा जो थंबनेल है जिसपे मेरी फोटो है वो ऐसी है, वो फोटो ऐसे खींची गई, तो मैंने उस पर जब अपना चेक करा, नोट्स चेक करे, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि यार ये तो बॉडी लैंग्वेज अंडर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस का इशू होता है। फिर देन आई रियलाइज कॉन्फिडेंस का इशू है नहीं मेरे पास, तो व्हाट इट इज देन। वो मैंने अपने पुराने वाले नोट्स निकाले, तो उसमें निकल कर आया कि मैं कुछ ज्ञान देने से छिपा रहा हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग, अंदर से निकल रहा है ऐसे करके मैं छिपा रहा हूँ, तो मैं निकालना चाहता हूँ ज्ञान। पर वो जैसे पिछले वीडियो में मेरे मैंने बोला था 50 लाइक्स बनाएंगे, मैं डीपी वाला बनाऊंगा, आप लोगों ने एक दिन में 52-53 लाइक्स हो गए थे, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो मुझे लगा लोग ये वीडियो चाहते हैं, ये कंटेंट चाहते हैं, तो जितना मुझे भी अप्रिसिएशन मिलेगा, मोराल बढ़ेगा मेरा, मैं निकालूंगा, और एक दिन मेरा जो ये वाला थंबनेल है ये चेंज होके ऐसे वाला हो जाएगा, खुल जाएगा अंदर से, हृदय चक्कर पूरा खोल के आप लोगों को खुल के बताऊंगा। तो अगर आपको अभी तक मजा आ रहा है तो अभी ये वीडियो अपने बच्चों को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये 17 से 25 वाले जो बच्चे हैं, उम्र वाले, इंप्रेशनेबल स्टेज है, अपने ही दुनिया में रहते हैं, ऐसे वीडियो अगर 10 से 12 मिनट सुन लेंगे, मैं आप लोगों को वादा करता हूं इस चीज का, अगर आपका बच्चा मेरा वीडियो 10 से 12 मिनट रोज देख लेगा अगले 50 से 60 दिन, तो वो बिगड़ने नहीं वाला। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लोग पूछेंगे अच्छा तेरे बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे, ठीक है, तो उसकी डिस्कशन छोड़ देते हैं, पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आप अपना बच्चा जो 18 से 25 के बीच में है, मेरे वीडियोस उसको फॉरवर्ड कीजिए, उसको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, एंड मैं आपको बोल रहा हूँ आपका बच्चा बिल्कुल कॉन्शियस स्टेट में आ जाएगा, एंड ही विल बी ऑन द राइट पाथ। तो अगर इस स्टेज पे आगे वीडियो देखने से पहले बच्चे को तो फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी, फॉरवर्ड कर दीजिए। तो अगला पॉइंट है, डीपी में 3 लोग नहीं होने चाहिए, बहुत देखा है मैंने अमूमन 3 लोग हैं, फैमिली हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, 3 लोग मत रखिए, 3 लोग डीपी में नहीं होने चाहिए। एक थोड़ा टची सब्जेक्ट है, थोड़ा खुले मन से सुनिएगा, हस्बैंड एंड वाइफ वाली जो डीपी है ना, ये ठीक नहीं है, ये मैरिज में स्ट्रेस दिखाती हैं, या आपका सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रेस है। पति की डीपी है, पति का मोबाइल फोन है, पत्नी की फोटो है, किस लिए है भाई? आप दुनिया को अपनी वाइफ दिखाना चाह रहे हैं, वाइफ को दिखाना चाह रहे हो कि मैं दुनिया को वाइफ दिखा रहा हूं? इसमें शादी में स्ट्रेस है। वाइफ का अपना मोबाइल फोन होगा, आज के दिन तो कोई ऐसा नहीं है कि वाइफ के पास फोन ही नहीं है, एक कपल में एक हस्बैंड के पास ही फोन है, तो आपको आपको बोलेगा नहीं ये प्यार है, ये प्यार नहीं है, बीवी की बहुत याद आ रही है आपको, स्क्रीन सेवर बनाई है उसका, उसकी फोटो बार बार देखिए, अपना उसमें कोई आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, या आपका पर्स होगा, या कोई ऐसी चीज होगी उसमें डालिए, ठीक है, उसको व्हाट्सएप कॉल करिए। लेकिन ये इतनी छुटकी सी जो आपकी डीपी है, ये आपने दुनिया को दिखाने के लिए रखी है, तो आप दुनिया को, ये स्ट्रेस है मैरिज में, मैं इसमें ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज हिंट दूंगा आपको, ये करने से स्ट्रेस मैरिज का बढ़ना है, घटना नहीं है। ज्यादातर ऐसी फोटोग्राफ्स में हस्बैंड बहुत ही मैचो मैन होगा, आप देखना, ठीक है, तो इसमें आप इससे, और ये रीजन है वाइफ की इनसिक्योरिटी की वजह से, पति ने जबरदस्ती कर रखी है, किसी ने उसको बोला नहीं है, उसकी समझदारी में बस कुछ ऐसा आया कि उसने ये कर दिया है। अगर आप इसके साथ एसोसिएट करते हैं तो लाइक कर दीजिए, और नहीं करते तो डिसलाइक तो प्लीज मत करिएगा। आप सोचना वो दादाजी का जो एग्जांपल है सिगरेट वाला, उस कैटेगरी में आप फॉलो आते हैं, तो वो आप बता देना, ठीक है, तो उसको डिसलाइक मत करना, अगर एसोसिएट करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। दूसरी सब एक और फिफ्थ पॉइंट, बच्चों को डीपी में मत डालिए, ये मैंने बहुत देखा है, एक पिताजी हैं, एक बच्चे के साथ फोटो खिंचा रखी, दो, आप अपने बच्चे को मत दिखाइए। इसके पीछे सबकॉन्शियस ये है कि किसी कारण से आप बच्चे से दूर रहे हैं, एंड बहुत प्यार उमड़ रहा है, ये रीजन हो सकता है, या आप अपनी बहुत फादरली इमेज दिखाना चाह रहे हैं, या कुछ, तो द बेसिक चीज है, बच्चे को दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी आपका बच्चा बहुत प्यारा बच्चा है, मैं बच्चों को देखता हूँ, वो बच्चे बॉर्न हो गए, 2 साल के हैं, बहुत क्यूट बच्चे, अच्छे लग रहे हैं, मत दिखाइए दुनिया को, आपको आप अपने उसको रखिए, अपने रिश्तेदारों को फोटो देनी है उनको दे दीजिए, अपने सर्कल में आप दे दीजिए। ये जो भी मैं आपको ज्ञान बता रहा हूं, ये एक एस्पेक्ट से नहीं बता रहा हूं, इसके अंदर गूढ़ ज्ञान है, प्रैक्टिकलिटी है, वास्तु है, लॉजिक है, एंड बहुत चीजें हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि भी मेरी लाइफ है,
हर आदमी को नौकरी में कुछ अच्छा करना है, पैसा अट्रैक्ट करना है, बिजनेस करना है, उसको अपना सक्सेस करना है, पढ़ाई में अच्छा करना है, कुछ तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते नहीं मेरी मर्जी है। ये देखो हमारे जो सनातन धर्म है या जो भी हिंदू वे ऑफ लाइफ है या हिंदुस्तान वे ऑफ लाइफ है, मैं बहुत रिलीजियस एंगल नहीं करना चाहता बिकॉज बहुत लोग, मेरा ऑडियंस बहुत वैरायटी वाला है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हमारे यहाँ पे किसी चीज़ को जजमेंटल होने से मना किया गया है, हमारे यहाँ बोला गया है इस प्लेस में जो ये हमारा देश है कि आपके एक्शंस हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कुछ अच्छा और कुछ बुरा नहीं है। तो ये जो आप कर रहे हैं ये एक एक्शन है, इसका एक कॉन्सिक्वेंस आप करना चाहते हैं बिल्कुल करिए, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं। भी देश आजाद है, जिसको जो अपनी डीपी लगानी है जैसा करना है। मैं कौन होता हूं बताने वाला कि भाई क्या करना चाहिए, बट मैं एज ए फ्रेंड एज ए ब्रदरली फिगर एक चीज बता रहा हूं जो माने और इंप्लीमेंट करें और फायदा हो जाए मुझे फीडबैक देना। तकरीबन 50 दिन का टाइम है, बहुत चीजें अच्छी होने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला जो बच्चों को आप लोग डाल रहे हैं डीपी पे, आप मत डालिए। जिन चीजों का मैं रीजन नहीं बता पा रहा या बता रहा और आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, प्लीज व्हाट्सएप करिएगा मेरे को, मैं अपना नंबर छोड़ दूंगा कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में, मैं आपको बता दूंगा उसका लॉजिक, क्योंकि कई चीजों का लॉजिक नहीं बता सकते, कईयों का मैं लॉजिक बता ही रहा हूं। तो अगला पॉइंट होता है पार्टी होती है, एक ग्रुप की पार्टी थी, आपने पार्टी की फोटो डाल दी, नो प्रॉब्लम, पर ये ज्यादा दिन तक आप मत रखिए। ये इसमें दारू थी या कुछ इस तरह की चीजें थी और वो 5-6-7-8 लोग इकट्ठे हो रखे हैं, आपने एक फंक्शन था बेसिकली, तो आपने 2-4 दिन दिखाया एसोसिएशन के लिए दिखाया, ठीक है, पर उसको बाद में अपनी नॉर्मल वाली डीपी पे आ जाइए। एक बार आप दिखाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पेरेंट्स के साथ लोग डीपी खिंचाते हैं, मैं बोलूंगा पेरेंट्स को प्यार दिखाने के 500 अलग तरीके हैं। कई लोगों के पेरेंट्स दिवंगत हो चुके हैं, दुनिया में नहीं है, बहुत प्यार करते थे आप, उनको याद करने का तरीका ये नहीं कि उनकी डीपी में उन्हीं की फोटो डाल दीजिए, इससे जो एनर्जीज हैं वो ठीक नहीं है, वो आत्मा भी शांति नहीं पाएगी, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स हैं, आप प्यार करते हैं, 500 अलग तरीके हैं, मेरे से जुड़िए अगर आपको इसके इश्यूज हैं कि भी नहीं क्यों नहीं एंड ऑल, मैं आपको बहुत प्यारे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा इसमें। दूसरी क्या है, अपने गुरु की आपको सेक्ट फॉलो करते हैं, ठीक है, अपने धर्म की और रिलीजन वाली वो फोटो डालना भी अवॉइड करिए अगर 60 ईयर से नीचे हैं, उससे देखो ऊपर हैं 60-65 से, तो 60-65 से ऊपर अगर आप, तो आप उनका सहारा लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें मैं अगर आपको बोलूंगा चेंज करो तो मैं अपने पेरेंट्स को या पेरेंट्स लाइक जो हैं उनको भी बोलूंगा कि भी करके देखो, पर अगर नहीं रहा जाता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इतना स्विमिंग में इतने वीक हैं कि आपने वो टायर पकड़ लिया, आप ट्यूब पकड़ ली, आपको लगता है मैंने इसको छोड़ दिया तो डूब जाऊंगा, पर मेरे कहने पे उसको 5 सेकंड छोड़ के देखिए, शायद नहीं डूबेंगे आप, ठीक है। और अगर उससे आपकी लाइफ में कृपा ऐड होती है तो शायद उसको अवॉइड कर सकते हैं, पर अगर आपको लग रहा नहीं है वो बेकार बात बता रहा है मैं तो डूबी जाऊंगा, तो ठीक है प्लीज 60 से ऊपर है तो कंटिन्यू, 60 से ऊपर वॉट एवर आई एम सेइंग इज लेस एप्लीकेबल, करके देख लेंगे तो कृपा उसमें भी आ जाएगी, लेकिन वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप 35, 40, 45 हैं, आपको सेक्ट फॉलो करते हैं, धर्म फॉलो करते हैं, आपके गुरुजी हैं, उसको डीपी मत बनाइए, स्क्रीन सेवर बना लो, कुछ भी बना लो, रोज देखो, ठीक है, पर डीपी अवॉइड कीजिएगा आप, ठीक है। अच्छा एक रहता है दोस्तों के साथ हम बना लेते हैं, तो उसमें जो दूसरा देखने वाला, आप लोगों को ना नौकरियां करनी है, आप लोगों को बिजनेस करने है, आप लोगों को ट्रांजेक्शन करना है हर बेसिस पे, तो दूसरे आदमी को पता नहीं कि भी ये लड़की ये है या ये है, कौन से वाली है, दोस्त कौन है, लड़का ये है, तीन लोग बैठे हुए हैं, फोटो है, तो आपने तो अपनी दोस्ती बहुत अच्छी दिखा दी, लेकिन अगली आपने एनर्जीज अमिट करी कंफ्यूजन की, आपकी लाइफ में ही कंफ्यूजन आ जाएगा, आप मत करिए। आपके वो तीन दोस्त हैं उनको कहीं और एडजस्ट करिए, उनको आपस में ग्रुप पे फोटो एक्सचेंज करिए, पर वो डीपी के अंदर तीन लोग, तीन तो बिल्कुल वैसे भी ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो आप अवॉइड करिएगा। एक और चीज है रात की डीपी, बैकग्राउंड रात का नहीं होना चाहिए, वो अवॉइड कीजिए। पीछे जैसे पार्टी में खड़े हुए हैं हस्बैंड वाइफ, अंधेरा पीछे है, आपने फोटो ऐसी डीपीज मैं बहुत देखता हूँ। और अभी जो ये वीडियो खत्म हुए आप देखें ना, तो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो जो मैं बता रहा हूँ ना, तो आप देखने लगना है डीपीज 95% इसी कैटेगरी में मिलेंगी जी आपको। तो ऐसा नहीं कि आपको घबराने की जरूरत है, आपको ये रियलाइज करना है कि ये हम थोड़ा सा टोटका है, चेंज करके देख लीजिए, लाइफ में मजा आने लग जाए, अच्छा लगे मुझे थैंक यू कह देना। और अगर कुछ भी ऐसा ना हो, वैसे मैं मानता नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मैक्सिमम ये वीडियो 15-20 मिनट का होगा, उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, पर मैं गारंटी लेता हूं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात मैं बता रहा हूं, अगर लोग माने ना माने वो आपकी मर्जी है,
मेरे वीडियो 10 से 20 मिनट के होंगे, कुछ बड़े हो जाते हैं कुछ छोटे रहते हैं। अगर आप रोज देख लेंगे और 50 दिन फॉलो करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर का थोड़ा ठीक होने लगेगा। आप अपना डेली बेसिस पे मॉनिटर कर लो। अब आप बोलेंगे यार तू बड़ा उस तरह बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ ट्राई करके देख लो, उसमें कोई खर्चा पानी नहीं मांग रहा, कोई काम ही की बात बताऊंगा रोज। लेकिन 9 से 10 बजे के बीच, 9 से 11 बजे के बीच वाइफ के साथ दूध पीते हुए गुड़ के साथ हल्दी डाल के अगर करेंगे ये काम, तो कई बहुत लोगों को ना एब्स्ट्रैक्ट लगती हैं चीजें। कई मुझे कमेंट्स आते हैं यार तेरा वीडियो बहुत अच्छा है, ये उल्टा सीधा चीजें क्यों बताता है। दिस चैनल इज अबाउट लिविंग ए गुड लाइफ, इट इज नॉट अबाउट बिकमिंग रिच, इट इज नॉट अबाउट बिकमिंग समथिंग इन लाइफ, इट इज अबाउट लिविंग अ गुड लाइफ। तो मेरा फोकस सिर्फ उसी चीज पे है कि आप लोग एक अच्छी लाइफ जी सकें, तो ये चैनल इज ऑल अबाउट दैट। मैंने 4 पिलर करके समझाया था। मेरा वो ट्रेंड वाला जो वीडियो है वो कम लोगों ने देखा है, जितने ज्यादा देख लेंगे समझ लेंगे। वीडियो है माइंडसेट सीरीज का नंबर 3, वो समझ लेंगे तो उसकी कृपा अलग हो जाएगी। कई चीज जो एक बार में समझ में नहीं आती ना, उसमें पेशेंस दिखाइए, सब्र दिखाइए, जहां पेशेंस है वहीं चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है इसका, जानवर की फोटो मत लगाइए। लोगों ने अपने पेट्स की लगा रखी है। इसका स्ट्रेट मीनिंग है कि आपके रिश्तों में खटास है, तनाव है, आपकी बातें नहीं सुनते बच्चे, या आपकी वाइफ नहीं सुनती या हस्बैंड नहीं सुनता, आपकी लाइफ में तनाव है और ये लगा के रखेंगे तो तनाव ने बढ़ना है घटना नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है, खुल के बता रहा हूं। लोग खुल के मेरा बोल सकते हैं बकवास कर रहा है, ठीक है बोल सकते हैं, बट मैं बेस रेट वाला बता रहा हूं। अगर आपकी लाइफ में ये एप्लीकेबल नहीं है, जेन्युइनली एप्लीकेबल नहीं है, तो वो दादाजी वाला एग्जाम्पल है, वो उसमें कुछ और चीजें होंगी, पानी भरने गए किसानी करी ऐसा कुछ होगा। ठीक है, पर मोस्टली ये लोगों ने जानवरों की पिंजरे में भी फोटो लगा देते हैं, प्लीज मत लगाइए। बच्चे जो आपके हैं, जो 20, 22, 23, 24 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक है जवान हैं, 15 साल के बच्चों के ऐसे फोन आ रखा है, वो आपके नंबर पे लिया है लेकिन वो फोन प्रैक्टिकली उन्हीं का है, अजीबो गरीब डीपीज बना रखी हैं बच्चों ने, उनको बोलो बच्चे नेचर की बना लें, कोई खुले चीज की बना लें, बाहर की चीज की बना लें, कुछ नॉर्मल बना लें। जैसा बनाएंगे जैसा देखेंगे वैसा ही दिमाग हो जाएगा, तो थोड़ा सा उनको कंट्रोल या करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ये वाला जो वीडियो है उन्हें दिखा सकते हैं तो प्लीज दिखाइए। तो अब सवाल आता है कि इसके अंदर डीपी होनी कैसी चाहिए? एक आइडियल डीपी अगर इतनी स्टोरी सुना दी तो क्या हो सकती है? एक डीपी की सबसे आइडियल चीज है कि सबसे पहले तो आप अकेले होने चाहिए उसमें, ऐसे ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, एक आदमी होना चाहिए, स्ट्रेट देखना चाहिए उसके अंदर, पीछे दिन का बैकग्राउंड होना चाहिए। घर के अंदर अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर कर सकते तो बहुत अच्छा है। झील है, फ्रेश पानी है, बहुत अच्छा है। समंदर थोड़ा दूसरा एंगल हो जाएगा, पर समंदर भी चलेगा। ठीक है, पहाड़ है, सबकी अपनी अपनी अलग सिग्निफिकेशन है। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया और लंबा हो जाएगा, लेकिन सिंपल सी चीजें, नेचर में है, बाहर हो, बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर इस तरह की स्ट्रेट देख रहे हैं आप, ठीक है, कोई लेफ्ट राइट नहीं देख रहे। कई जो लड़कियां, मैं बता रहा हूँ, लड़कियां अपनी माँ के साथ फोटो खिंचा रही हैं, ज्यादा चिपकी पड़ी हैं, मैंने ये देखा, उनकी शादियां लेट हो जाती हैं या शादी लेट हो चुकी है इसलिए वो ये हो रहा है या ये हो रहा है उससे। देखो, इसमें अंडा पहले आया मुर्गा पहले आया, ये इसमें बहस करने की बात नहीं है, पर ये कि हमारी सबकॉन्शियस ऐसे कर रही है तो इसलिए आ रहा है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया, मेरा मेरा थंबनेल में ऐसे हो रखा है, जो मैं फोटो खिंचाने के लिए मतलब बोला मैंने किसी को, खींच मुझे थंबनेल का डालना है, मेरा अपने आप ही ऐसे हो गया। उसके बाद मैं एनालाइज करता रहा, यार ये ऐसा क्यों किया, मैं तो इतना ज्ञान बांटता हूं, मैं अपना 2 सेकंड के लिए मैं क्यों नहीं, वो अंदर से आता है जी। तो उसको हमें एनालाइज करना है और करेक्ट करने की कोशिश करनी है। मुझे भी पता है कि मेरा जब खुल के ज्ञान निकलेगा, जो मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके दे रहा हूं, जब मेरा खुल के निकलेगा तो मेरा बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस वाला इशू नहीं था। तो इसी तरह आपको एनालाइज करना है, जजमेंटल नहीं होना, दूसरों को देख के जजमेंटल नहीं होना, सारे के सारे 95% वाली कैटेगरी के अंदर ही है। आपको अपना अंदर से एनालाइज करके डीपी को आप जब चेंज करेंगे, एनर्जीज चेंज होने लगेंगी आपकी, 50-60 दिन में आपको फर्क लगने लग जाएगा। बहुत लोगों को मेरे हिसाब से 5 से 6 दिन में ही फर्क लगने लग जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए और अपना जितना भी फ्रेंड सर्कल है उसमें इसको प्लीज भेजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आई डिजर्व थोड़ा स्लाइटली लार्जर ऑडियंस। आगे आगे वीडियोस में और इंटरेस्टिंग करने लगूंगा, कुछ बड़े हो जाएंगे कुछ छोटे हो जाएंगे, लेकिन इतना पेशेंस तो आपको दिखाना पड़ेगा, बिकॉज इतनी कैटेगरीज मैंने कवर करी हैं। आई एम श्योर यू मस्ट बी फॉलोइंग इन वन ऑफ देम। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा या कुछ एग्री नहीं कर रहे तो मेरे से पर्सनली कनेक्ट करके मैं आपको खूबसूरत बेहतरीन लॉजिक बता दूंगा। सारी चीजें यहाँ खुल के वीडियो में नहीं बताई गई हैं। थैंक यू वेरी मच।